नमस्कार, स्वागत है आप सभी का असरदार नुस्खे के एक और फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बीमारी के बारे में जिस बीमारी होने के बाद शायद ही कोई बच पाता है। दोस्तों, हार्ट अटैक जो होता है वो कभी भी आ सकता है, लेकिन इसके कुछ लक्षण ऐसे हैं जो आपको हार्ट अटैक से एक महीने पहले नजर आने लगते हैं। अगर आपको भी नजर आते हैं तो ये 6 लक्षण जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा, तो कृपया सावधान हो जाइए क्योंकि हार्ट अटैक के शिकार आप भी हो सकते हैं। दोस्तों, यहां पर सिर्फ सिम्टम्स की बात की जाएगी, अगर ये सिम्टम्स होते हैं तो एक बार ये आप चेक जरूर कराएं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो चीज होती है वो सीने में असहजता। दोस्तों, दिल दौरे के लिए जिम्मेदार लक्षणों में से एक है। सीने में होने वाली किसी भी प्रकार की असहजता जो है वो आपके दिल के दौरे का शिकार बना सकती है, खास तौर पे जैसे सीने में दबाव या जलन का महसूस होना। इसके अलावा भी अगर आपके सीने में कुछ परिवर्तन या असहजता का अनुभव होता है तो आपसे सलाह दिया जाता है कि आप जो है अपनी डॉक्टरी परामर्श जो है वो जरूर लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी बात आती है वो होती है कि बगैर किसी मेहनत के या किसी काम किए बगैर आपको अगर थकान होने लगता है, बहुत ज्यादा थकान होने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको हार्ट अटैक की दस्तक जो है वो दे सकता है। जब हृदय की धमनियां कोलेस्ट्रॉल के कारण के वजह से संकुचित हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं, तब दिल को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है, जिससे आपको अधिक से अधिक थकान जो है वो महसूस होने लगता है। इसके अलावा कई बार रात में अच्छी खासी नींद लेने के बाद भी आप आलस या थकान का अनुभव करते हैं और आपको दिन में भी नींद या आराम की जरूरत महसूस होने लगती है। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं दोस्तों, तो एक बारी आप अलर्ट हो जाओ, सतर्क हो जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण बन सकता है हार्ट अटैक की। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम की। जब दिल को शरीर के सभी आंतरिक अंगों में रक्त पहुंचाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती हो तो सिराएं जो होती हैं वो फूल जाती हैं और इसके वजह से उसने लगता है, और खास तौर पर इसका असर तब होता है जब पैरों के पंजे, टखने और अन्य हिस्सों में सूजन के रूप में नजर आने लगता है। इससे कभी कभी होठों की सतह पर नीलापन आने लगता है, और अगर होठों की सतह पर नीलापन आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको जो है गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है, आप एक बारी जरूर डॉक्टरी सलाह लें। सर्दी का बना रहना, लंबे समय तक सर्दी या इससे संबंधित लक्षणों का बना रहना भी दिल के कारणों की तरफ इशारा कर सकता है। जब दिल शरीर के आंतरिक अंगों में रक्त संचार के लिए ज्यादा मेहनत करता है तब रक्त के फेफड़ों में स्रावित होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, जिससे कफ में सफेद या गुलाबी रंग के बलगम फेफड़ों से में स्रावित होने वाले रंग के कारण इकट्ठा हो सकते हैं। और दोस्तों, ये कारण हो सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं चक्कर के बारे में। दोस्तों, जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो आपको चक्कर आने लगता है, जब आपका कमजोर दिल हो जाता है तो उसके बाद से उसके द्वारा रक्त का जो संचार है वो सीमित हो जाता है। ऐसे में दिमाग तक आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकती है, जिससे निरंतर चक्कर आना, सिर हल्का होना जैसी समस्याएं होती हैं, और यह जो है हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार और एक गंभीर लक्षण हो जाता है, जिस पर हमें तुरंत के तुरंत ध्यान देना चाहिए, वरना हमें जो है बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो आखिरी जो चीज है जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो ये है कि आपको सांस लेने में अगर किसी भी प्रकार की परिवर्तन या कमी का एहसास होता है तो यह भी दिल के दौरे का लक्षण हो सकता है। जब भी आपका दिल सही तरीके से काम नहीं कर पाता है तो फेफड़ों तक उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और इसके वजह से सांस लेने में कठिनाई होती है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में जो आपने समझा, यहां पर जो आपने देखा, अगर आप कोई इस तरह की प्रॉब्लम है या इस तरह की समस्या है तो दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार आप अपने डॉक्टर से जरूर मिल लें, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं एक ऐसी कारण हो सकती है जिससे आपकी जिंदगी जो है वो परेशानी में आ सकती है, संकट में आ सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर जरूर करना अपने व्यूज को, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी आती है सीधे आपके इनबॉक्स में पहुंचा दिया जाए। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।